उज्जैन शहर को यूं तो लोग जानते हैं, अलग अलग मान्यता के लिए भी इसे जाना जाता है। वहीं यहां का 24 खंबाय माता मंदिर नवरात्रि के दौरान एक अनोखी परंपरा का साक्षी बनता है, जहां मां को मदिरा का भोग अर्पित किया जाता है। मां अष्टमी पर यहां भक्तों को प्रसाद के रूप में शराब बांटी जाती है। जी हां, सही सुना आपने, ये परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। जय माता दी, ये कहावत है जो राजा विक्रमादित्य से, मतलब राजा द्वारा यहाँ पूजा की जाती थी, किसी ना कोई पूजा की जाती थी। पहले कभी किसी जमाने में वहाँ भैंसे की बलि दी जाती थी, फिर ये खत्म हुई और सरकार जब से उत्पन्न सरकार बनी, जब से तो मैया रानी को कुछ ना कुछ तो पूजा चाहिए, तो जब सरकार बनी तो ये सरकार, मतलब वो पूजा बंद हुई, जब से फिर ये सरकारी पूजा स्टार्ट हुई है। आज के दिन ये पूरी भजिए वगैरह, ये दाल वगैरह, भजिए वगैरह सभी, इसका गुलगुले वगैरह जो भी सब, मदिरा वगैरह का भी 27 किलोमीटर तक यहाँ से स्टार्ट होती है, और सारे देवी देवताओं मंदिर और जो हांडी फोड़ भैरव है वहाँ पे हांडी फोड़ के पूजा समाप्त की जाती है। मेरा विकास पुजारी है। मंदिर में देवी महामाया और देवी महालाया की प्रतिमाएं स्थापित हैं। नवरात्रि के पहले दिन से भक्तों की भीड़ लगने लगती है। पूजन के बाद कलेक्टर स्वयं माँ को शराब का भोग लगाते हैं, जो इस मंदिर की विशेषता है। इसके बाद कोतवाल एक हांडी में शराब लेकर 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, जहां वो रास्ते में आने वाले करीब 40 मंदिरों में भोग अर्पित करते हैं। राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही परंपरा, जिसमें महाकाल वन के प्रवेश द्वार पर 24 खंभा माता मंदिर पर प्रतिवर्ष आज अष्टमी नवमी के दिन ये अनुष्ठान होता है। आज उसका निर्वहन किया गया है और आज पूरे नगर में ये पूरा यात्रा जाएगी और सभी के लिए अष्टमी पर मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं दी जाएंगी। 24 खंबा माता का द्वार उज्जैन नगर में प्रवेश का प्राचीन स्थल माना जाता है। 24 खंबा माता मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर वर्ष नवरात्रि के दौरान यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या इस परंपरा की महत्ता को दर्शाती है। पंजाब केसरी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।